हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? जैसा कि सबको पता है कि कक्षा 12 और 10 दोनों की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त हो चुकी है और सभी बच्चे अपने घरों के अंदर बैठे हैं, क्योंकि कोरोना का कहर इस कदर था कि एग्ज़ाम कराना मुश्किल था। तो बच्चों, आपको पता है अब परीक्षा तो कैंसिल हो गई और सबको प्रमोट किया जा रहा है। तो भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मार्क्स शीट के अंदर अंक कैसे भरे जाएंगे, ये एक ज्वलंत प्रश्न है बच्चों के दिमाग के अंदर कि भाई अब हमारी जो मार्क्स शीटें हैं वो उसके अंदर मार्क्स भरीज के कैसे आएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन्स और मैसेजेस आते हैं और बच्चे पूछते हैं कि सर बताओ कैसे मार्क्स आएंगे। तो भाई, CBSE ने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर 13 सदस्य थे। उन 13 सदस्यों ने मिलकर के कुछ प्रस्ताव रखे हैं, ठीक है। वो उन प्रस्तावों के अनुसार, ध्यान रखें, क्लास 12th परीक्षा परिणाम 2021 की बात हो रही है, जो अभी परीक्षा परिणाम आने वाला है। CBSE की जो कमेटी का जो सुझाया गया फॉर्मूला है उसके अनुसार, अब ये बात कुछ बोर्ड के दूसरे विद्यार्थी वो सोच रहे हैं कि RBSE के अंदर कैसा होगा या किसी अन्य बोर्ड में कैसा होगा। भाई देखो, CBSE का जो फॉर्मूला है उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ सकता है, इसलिए इस फॉर्मूले को भी समझ लेना, तो दूसरे बोर्ड के बच्चे वो भी समझ लीजिए, आपके मार्क्स शीट भी इस तरह से तैयार हो सकती है। फाइनल मोहर अभी नहीं लगी है, लेकिन जो प्रस्तावित फॉर्मूला है वो क्या है उसके बारे में सीख लेते हैं। 30:30:40, ये क्या है इसको समझना ज़रूरी है। मार्क्स शीट में अंक भरने का प्रस्तावित फॉर्मूला, बेटा ढंग से और अच्छी तरह से समझना क्या फॉर्मूला बनने वाला है, कैसे अंक भरने वाले हैं। 30:30:40, कक्षा 10, यहाँ पर देखो 30, ये हमारे पास है क्लास 10th। यहाँ से आपकी जो मार्कशीट के अंदर आए हुए नंबर हैं, यहाँ से 30% अंक लिए जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव आ रहा है। उसके बाद में आप आ जाइए क्लास 11th के ऊपर। यहाँ पर 11th क्लास के अंदर जो आपकी वार्षिक परीक्षा है, जो फाइनल एग्ज़ाम हुए हैं, उसके अंदर आए हुए नंबरों का 30%। फिर उसके बाद में कक्षा 12th के ऊपर आ जाइए। भाई कक्षा 12 के अंदर कई सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी प्री बोर्ड को। यस, यहाँ से 30% प्लस, अब क्या मामला है, क्लास ट्वेल्थ यहाँ से जो प्री बोर्ड हुआ है आपके, ये स्कूल के अंदर हैं ये मार्क्स, है ना, प्री बोर्ड हुआ है, जो भी हमारे पास प्री बोर्ड हुआ है उस प्री बोर्ड के 40% यहाँ से लिए जाएंगे, 40%, ठीक है। तो कक्षा 12 का जो प्री बोर्ड हुआ है उससे 40%, कक्षा 10 की जो अंक तालिका, जो मार्कशीट आपके पास पहले से अभी उपलब्ध है उसके अंकों का 30%, और कक्षा 11 में कौन सी वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जाम है ना, इसकी वार्षिक जो परीक्षा हुई है ना उसके, यानी कि कहने का मतलब है टेस्टों के, जो छोटे टेस्ट होते हैं ना, पीरियडिक एग्जाम्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर कोई संभावना नहीं व्यक्त की गई है। ये कहा गया जो वार्षिक परीक्षा, जो फाइनल एग्जाम हुआ है ना, उस फाइनल एग्जाम के जो मार्क्स आए हैं उसका 30%, और क्लास 12th का जो प्री बोर्ड हुआ है उसका 40%। ये इस तरह से फॉर्मूला बना करके आपकी मार्कशीट के अंदर 30% और यहाँ से 40% हो गया 100%, तो 100 में से मार्क्स दिए जाने की ये प्रस्तावित फॉर्मूला है। अभी तक इसके ऊपर फाइनल मोहर लगनी बाकी है, लेकिन फिलहाल ये प्रस्तावित फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार अंकों का विभाजन 30:30:40, यहाँ कौन सी क्लास है, ये 10th क्लास, ये हमारे पास 11th क्लास, और ये हमारे पास 12th क्लास का प्री बोर्ड, ठीक है ना, ये इस तरह से फॉर्मूला बनाया जा रहा है। तो
आपके जो अंक तालिका है अभी फाइनल मोहर लगनी बाकी है, बट अभी तक जो संभावित प्रस्तावित सीबीएसई जो 13 सदस्यीय कमेटी है उन्होंने जो सुझाया फॉर्मूला है, जो प्रस्तावित फॉर्मूला है उसके अनुसार 30:30:40 यानी कि 10वीं क्लास की मार्कशीट में से 30%, 11वीं क्लास की जो वार्षिक परीक्षा है वहाँ से 30% और कक्षा 12 का जो प्री बोर्ड हुआ है उसका 40% नंबर लिए जाएंगे और आपकी मार्कशीट बना करके आपको सपोर्ट कर दी जाएगी, ऐसी संभावना है। अब दिमाग के अंदर और भी चल रहा होगा कक्षा 10 का क्या होगा, तो शायद इसी तरह का कुछ कक्षा 10 के बारे में भी विकल्प बनेगा जिसके अंदर 8th है, 9th है और 10th का प्री बोर्ड है ना। तो ऐसा लगता है मेरे को, अभी तक प्रस्ताव नहीं आया है, ऐसा लगता है कि भी 10th क्लास के अंदर भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 12th क्लास के ऊपर मोहर लग जाए तो फिर 10th का भी तैयार हो, और जैसे ही हमारे पास सूचना आएगी मैं आपके पास फिर आऊँगा। तो बच्चों ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत सोचा जा रहा है, आपके फेवर में काम किया जा रहा है, कोरोना का जो कहर था उससे हम निकले हैं और अब मार्कशीट की जो टेंशन है उसको दूर करने के लिए ये जो न्यूज़ आई है काफ़ी रिलैक्स करने वाली है, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, फॉर्मूला अच्छा बनेगा और अच्छी तरह से रिजल्ट आएगा, बहुत जल्द आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, होप यू आर द बेस्ट रिजल्ट, बाय बाय।